नमस्कार दोस्तों, ये 22 साल की लड़की का पाम है और ये बहुत अच्छी साइन लेकर जीवन में आए हुए हैं, जो इनको फिलहाल इनके परिवार को ट्रिमेंडस बेनिफिट दे रही है और आगे चलकर वो साइन इनको पैसे के मामले में काफ़ी लाभ होगा जीवन में। और बहुत सारे पॉजिटिव साइन हैं इनके हाथ में, एक नहीं दूसरे बहुत सारे हैं, पर साथ साथ में उस पैसों का यूज़ करने में इनको तकलीफ भी आने वाली है, यानी रुकावटें भी इनके जीवन में है। खाली पैसा नहीं है, साथ साथ में रुकावटें भी है। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम इनके पाम पर देखेंगे, पर बहुत शुभ साइन लेकर इनका जन्म हुआ है। यहाँ पर देखें तो ये कंप्लीट सीधी रेखा, जब इस तरह की सीधी रेखा होती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रैब कर पाते हैं। सेकेंड चीज़ देखें तो ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को समृद्ध बनाता है। यहाँ पर चंद्र पर्वत दबा हुआ है, तो ऐसे लोगों को बातें करने की ज़्यादा आदत होती है, ये भी देखा गया है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला नहीं है, तो व्यक्ति का ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज है बरोबर, पर यानी तथ्यों के साथ लॉजिक के साथ ये बात बता पाते होंगे, पर मांसल कम है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का भी होता है। यहाँ पर एक कोन भी बना हुआ है, इस तरह का कोन व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्पीड में काम करने वाला, टाइमिंग इनकी जीवन की परफेक्ट रहती है। गुरु पर्वत अच्छा है, फैला हुआ है, और साथ में ये उंगली बड़ी दिख रही है, थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो व्यक्ति के जीवन में ईगो प्रॉब्लम रहता है, और मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ईगो प्रॉब्लम के कारण किस तरह से व्यक्ति को सामना करना चाहिए। इनमें बहुत कुछ है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर ये बार बार ईगो प्रॉब्लम से रूबरू होते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच रही है, पर इतनी अच्छी साइन लेकर आए, ये पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इनके पास धन भरपूर आने वाला है। ये फर्स्ट फैलेंज मुड़ भी रहा है, तो व्यक्ति पैसा कमाने में एक्सपर्ट होता है। और ये उंगली जब पहुँचती नहीं सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में हल्के सी ही कमी होगी, 2 mm की कमी है, यानी 10-15% इनमें माइनस पॉइंट होगा, इसके अलावा कोई ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं होगा। अब इनका जो ये पार्ट है, इतने पार्ट को समझने के लिए हम जब क्लोजअप का सहारा लेंगे उस समय इसके बारे में बात करेंगे। अब गुरु पर्वत पर देखें तो गुरु पर्वत पर केवल थोड़ा सा ये पार्ट उभार ले रहा है, केवल थोड़ा सा। ये जब उभार लेता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सांसारिक समस्या व्यक्ति को जीवन में सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हो सकता है हस्बैंड अच्छा मिले तो परिवार के लोग इनको परेशान करें, यानी हस्बैंड के जो परिवार वाले वो परेशान करें, पर वो भी बड़े पैमाने पर नहीं, हल्के से पैमाने पर कर सकते हैं, क्योंकि हल्का सा उभार है। और गुरु पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो इस तरह का जब गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति खाने बहुत टेस्टी बनाता है, उसके हाथ से खाना टेस्टी बनता है, प्लस ये लोग अपने कार्य का विस्तार भी अच्छा खासा करते, ये भी एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। और गुरु पर्वत पर देखें तो बहुत सारे स्क्वायर है, ऐसे लोग 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेते और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचते। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारी लाइनें, एक इस तरह का गुरु वलय भी बना हुआ है, यानी इसको कंप्लीट गुरु वलय तो नहीं कह सकते पर एक तरह से गुरु वलय मान सकते, प्लस यहाँ पर बहुत सारी रेखाएँ, ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा जाता है, इतनी सारी जब रेखाएँ होती है तो। और ये लोग सेवाभावी भी होते, केवल पैसा कमाना नहीं जानते, साथ में कोई ना कोई NGO भी ज्वाइंट करते, सेवा का कार्य भी करते ये लोग, और ज़्यादा पैसे वाले बनते तो खुद का NGO भी क्रिएट करते, यानी बनाते। और ये मल्टीपल इनकम के सोर्स इस तरह की रेखाएं होती है तो क्रिएट होते हैं, और इन्हीं के बीच में ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, सारी चीज़ें, यहाँ पर ट्रायंगल भी है,
ये जब ट्रायंगल होता है तो कोई भी आदमी, अभी तक मैंने किसी आदमी को गरीब नहीं पाया, गुरु पर्वत पर ट्रायंगल हो, ये अमीरी देता है यानी पैसा देता है और बाकी बहुत कुछ देता है। अब यहाँ पर एक स्टार होने का भी आभास हो रहा है, पर कहीं पर भी क्लियर नहीं हो रहा है कि यह स्टार है, तो इसको यहाँ ही छोड़। जब क्लियर नहीं होती तो चीज़ों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं आता। अब अंदरूनी मंगल चाहिए वैसा नहीं है, ये दबा है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। व्यक्ति को शारीरिक जो क्षमता होती है, जवानी में पता नहीं चलती, हाँ जवानी में भी आम लोगों से कंपैरिजन जब करते ये लोग तो पता चलता है व्यक्तिगत रूप से, पर ये जैसे 35-40 के आसपास पहुँचते इनको ज़्यादा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता कम है। और छोटी मोटी जो बीमारी, डेली दवाई लेने वाली जो बीमारी है, वो ऐसे लोगों को दवाई 2400 घंटा लेनी पड़ती है, यानी 2400 घंटा तो नहीं, जो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी जो बीमारी, इस टाइप की बीमारी है जिनमें डेली दवाई लेनी पड़ती है, इसके कारण जीवन जीने में कोई तकलीफ नहीं आती। 85-90 साल के लोगों को भी मैंने देखा इस तरह के मंगल वालों को, और जी लेते और काम भी करते, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ दवाई पर रहते, यानी वो भी कौन सी दवाई, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस तरह की जो दवाई है उन पर जीवन गुजरता है। भारी मंगल काफ़ी अच्छा है, इस तरह का भारी मंगल व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो हिम्मत से मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, किसी की सहायता नहीं लेता। चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, उभार है, और यहाँ पर अगर ये नहीं, कोई साइन नहीं है, ये लाइन चल रही है, ये बार बार इनको विदेश यात्रा करवाएगी, और यहाँ से भी बहुत सारी लाइन है, तो विदेश यात्रा के मौके और बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ये कोशिश करेंगे तो ये फॉरेन में भी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी फेट लाइन कम्प्लीट सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, कम्प्लीट, तो इस तरह का भी मौका इनके जीवन में आ सकता है, ये विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, और काफ़ी उभार वाला चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें भाती है, प्लस जो सोच होती है वो रिफाइंड होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को, और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। और बहुत बार देखा गया इस तरह का कोण जब बनता है, त्रिकोण चंद्र पर्वत पर, तो या तो व्यक्ति कवि बनता है या विदेश यात्रा से धन कमा कर लाता है। इनकी बुध रेखा भी देखे तो कंप्लीट यहाँ से चलकर नॉन स्टॉप अप तक जा रही है। जब इतनी बड़ी बुध रेखा हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, या ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जिनका साम्राज्य भरपूर बड़ा रहता है और उसके कर्ता धर्ता बनते हैं, बहुत प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। इतनी बड़ी बुध रेखा, बहुत कम लोगों को इस तरह की रेखा पाई जाती है। व्यापार कुशल होते, मैनेजमेंट कुशल होते, ये अच्छे मैनेजमेंट वाले व्यक्ति बन सकते हैं, बड़े स्तर के जो कंपनियों के कर्ता धर्ता होते वो इस तरह की बुध रेखा लेकर जन्म लेते, बड़ी बड़ी कंपनियों के, जिनके हाथ के नीचे हजारों लोग काम करते, इतनी बड़ी बुध रेखा के। या तो ये फल इनको मिलेगा या शादी के बाद हो सकता है इनके हस्बैंड को मिले। और इसी रेखा के कारण एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है और साथ में ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है, तो दोनों चीजें ट्रिमेंडस है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत भी एक क्रिकेट की गेंद की तरह अच्छा खासा है, और साथ में गुरु पर्वत भी अच्छा है, तो दोनों मिलकर धन के मामले में, पारिवारिक सुख के मामले में दोनों कंफर्टेबल है, दोनों कंफर्टेबल, हर तरह के सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जीवन में जिनके गुरु और शुक्र अच्छे होते हैं। धन भी मिलता है, पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलता है, ये सारा एडवांटेज इनको प्राप्त होता है। और जिनका शुक्र अच्छा होता है वो पैसा कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है, दोनों एडवांटेज इनके पास रहते हैं। और बैलेंस में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उभार हो, बहुत ज़्यादा कामुकता हो, ऐसी भी चीज़ नहीं है, नॉर्मल है, जैसा चाहिए वैसा एक योग्य शुक्र पर्वत है।
अब यहाँ पर चले हृदय रेखा पर, तो हृदय रेखा कंप्लीट शनि पर्वत से शुरू हो रही है। अब जो शनि और शुक्र पर जो जो रेखा है उसके बारे में हम क्लोजअप का सहारा लेंगे, तब मैं डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है। जब शनि पर्वत से शुरू होती है तो व्यक्ति में तीन ही तरह के गुण होते हैं, तीन ही तरह के। एक तो आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसके तरफ ध्यान होता है। सेकेंड चीज़ होती है कामुकता, और तीसरी चीज़ होती है व्यक्ति कभी कभी फिजिकल बनता है। ये तीन ही तरह के गुण इनमें पाए जाते हैं। और हृदय रेखा मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। हाँ, एक दो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। ये अपने मित्रों को या सगे संबंधियों को हेल्प करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। काफ़ी उत्तम जीवन ये जिएंगे। अब यहाँ पर एक मुझे यव साइन दिख रही है, अगर ये होगी तो 2 से 2.5 साल इनके अच्छे नहीं जाएंगे माइंड लाइन पर। और ये पीरियड होगा लगभग उम्र का 28 से लेकर 30 तक का समय। ये पीरियड थोड़ा सा खराब जा सकता है, पर ये बहुत पॉजिटिव साइन वाले हैं तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये पीरियड जब आता है यव साइन वाला, तो व्यक्ति के जीवन में एक ठहराव सा आता है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती दिखती है। ये एक माइनस पॉइंट है इनके माइंड लाइन पर। बाकी माइंड लाइन को देखें तो गुरु पर्वत से शुरू होकर नीचे की तरफ जा रही है। तो जब गुरु से शुरू होती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। सेकेंड चीज, जब चंद्र पर्वत की ओर जाते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक समय आएगा इनको एहसास होगा कि कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ चल रही है, या ईश्वरीय शक्ति का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह की फीलिंग भी इनको आती है। इमेजिनेशन पावर काफ़ी ट्रिमेंडस बढ़ जाता है इनका। कोई चीज़ को इमेजिन करना हो तो वो तो अभी भी इनकी 22 साल की उम्र में भी होगा। एक ये खासियत होती है। और माइनस पॉइंट ये होता है, बाहर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं पर घर में किसी एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति चेंज होते हैं। जैसे अभी अगर ये अपने माता पिता के घर में रह रहे तो माता पिता के घर में किसी एक के पीछे पड़े रहते होंगे, बहुत ज़्यादा बोल बोल करते होंगे, और जब ससुराल में जाएंगे तो किसी और एक व्यक्ति को पकड़ेंगे। व्यक्ति चेंज हो जाते हैं पर इनकी जो आदत है किसी एक व्यक्ति को बोल बोल करने की, वो छुट्टी नहीं, ये हमेशा रहती है। कितना भी इनको समझाओ पर वो जाएगी नहीं। मेरे मित्रों को मैं समझाता हूँ, उनको पता भी चलता है कि ये है कारण, फिर भी वो आदत इनकी निकलती नहीं उनकी। तो ये एक माइनस पॉइंट रहता है। बाकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, सुंदर है, बड़ी है, तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी। और बहुत सा बार इस तरह की रेखाएं ये विजय दिलाती है व्यक्ति को। मंगल से जब ऊपर की तरफ जाती है तो ये भी विजय पाता व्यक्ति, कोई ना कोई, चाहे कोर्ट केस हो या कोई शत्रु पर विजय हो, ये सारी विजय इनको प्राप्त होती है। जब इस तरह की रेखा है मंगल क्षेत्र से, या तो सूर्य क्षेत्र में जाओ या शनि क्षेत्र में जाओ। अब इनकी जीवन रेखा क्लोजअप में हम देखेंगे, पर पहले जीवन रेखा को समझते, पूरा घुमाव ले रही है। जब जीवन रेखा पूरा घुमाव लेती है तो ये शुक्र के फल को बहुत बड़ा देती है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा, ये लोग पारिवारिक सोच वाले इंसान होते, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से टच में रहने वाले होते, कहीं बाहर भी गए तो 2 बार 5 बार 10 बार फोन करेंगे, इतनी इनका पारिवारिक दृष्टिकोण होता है। तो ये एडवांटेज है। अब बाकी का जो है वो इनके क्लोजअप में हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये इनके क्लोजअप में रेखा है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से इनको शुरुआत मिलनी शुरू हुई है, यहाँ से छोटी उम्र से ऑफशूट जा रहे हैं। इन ऑफशूटों का बाद में डिस्कस करेंगे, पर साथ साथ में देखिए, छोटी उम्र से ही राहु रेखा इनको कट करती जा रही है। छोटी उम्र से ही, हर 4-5 साल 3 साल में, और 30 साल से लेकर 50 साल तक, ये 30 साल से लेकर यहाँ से लेकर ये 50 साल तक भरपूर राहु रेखा है। पर
और उसके बाद भी राहु रेखा है छोटी छोटी, उसके बाद भी है, यानी हर 4-5 साल में इनको कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी, कभी 6 साल में, कभी 3 साल में, कभी 4 साल में, ये कंटिन्यू सिलसिला इनका चलेगा। ये तो हो गया माइनस पॉइंट। अब इनको इन रेखाओं को निकालना हो तो अभी इनके पास भरपूर समय है, ये पूरे जीवन भर स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना शुरुआत कर दे और शाम के समय यानी सूरज ढलने के बाद अपाइज है, गरीब व्यक्ति है, जो जेन्युइन गरीब है उसको हेल्प करिए, उसको खुश करिए, तो ये धीरे धीरे इन राहु रेखाओं का प्रभाव आपके जीवन से निकल जाएगा। उसके बाद आपका जीवन इतना उत्तम बनेगा, कोई माइनस पॉइंट ही नहीं है आपके हाथ में, ट्रिमेंडस ग्रोथ वाला हाथ है ये। अब ग्रोथ कहाँ दिख रही है, पहली ग्रोथ हम यहाँ पर चलते, ये देखिए बहुत बड़े बड़े ऑफशूट है, बहुत बड़े बड़े और कंटिन्यू चल रहे, कंटिन्यू। जब इतने ऑफशूट हो तो राहु रेखाएं भी इनका बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाती, पर फिर भी व्यक्ति की जब राहु रेखाएं होती है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो आता ही है जीवन में, उसको आप कितनी भी पॉजिटिव साइन हो, चाहे आप सूर्य पर्वत पर फिश साइन लेकर पैदा हुए हो, तो भी व्यक्ति को नुकसान जाता ही है, रुकावटें जीवन में आती है, पर ये बहुत सारे ऑफशूट हैं, बहुत सारे, तो बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलेगा पर फिर भी पता चलता है। अब इनकी फेट लाइन को समझते हैं, उसके पहले हम सूर्य पर्वत पर चलते हैं। इनके हाथ में ये शुक्रवल है, ये कंप्लीट शुक्रवल है और ये एक स्टार, ये एक स्टार और इसकी एक शाखा, दो शाखा इस शुक्रवलय को टच कर रही है। अब मैं इनके घर वालों को एक सलाह देता हूँ, इनके जन्म के बाद इनका 100% इनका परिवार अति संपन्न बना होगा, अति संपन्न। अब ये महिला है यानी लड़की है तो ये शादी करके घर छोड़कर जाएगी। अब जब ये घर छोड़कर जाएंगी तो आप वो इलाज नहीं करोगे तो हो सकता है आपका परिवार की संपन्नता कम हो जाए, क्योंकि ये इस तरह का फल लेकर आई है। तो आपको जो सिंदूर होता है लाल कलर का, उसको गाढ़ा आप गीला कीजिए और शादी होने के पहले इनके पैर की छाप लेकर, और ऐसा कपड़ा लीजिए जो ब्रांडेड हो, जो 50-60 साल तक चले, उस ब्रांडेड कपड़े पर इनके पैरों के छाप लीजिए और तिजोरी में रख दीजिए। सेकंड, आप जो भी बिजनेस करते होंगे उनमें इनका शेयर रखिए, तो आपका पैसा कम नहीं होगा, नहीं तो ये जैसे आपके घर से निकलेंगे हो सकता है आपका पैसा कम होना चालू हो जाए, क्योंकि ये ट्रिमेंडस ग्रोथ वाली साइन है, अति संपन्नता की साइन है। एक तो ये हो गई, और यहाँ पर बहुत सारे त्रिकोण और स्क्वायर, तो मल्टीसिटी का काम, त्रिकोण, जब ये साइन आ गई तो त्रिकोण का भी इतना महत्व नहीं रहता, पर है तो वो बेनिफिट देने वाले। दूसरा, मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है। अब इतनी सारे ऑफशूट हो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी आती है ऐसे लोगों को, इतना बड़ा त्रिकोण भी बना हुआ है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, और छोटे मोटे भरपूर त्रिकोण है। एक साइन ऐसी है जो स्पष्टता से आई नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है जहाँ यहाँ पर एक फिश साइन बनी हुई है, यहाँ पर इस क्षेत्र में, ये अगर साइन होगी तो इसका मुंह है बुध पर्वत की तरफ, तो ये व्यापार से सफलता की ओर इशारा जाता है, क्योंकि इसका मुंह कंप्लीट दोनों के बीच में बुध और सूर्य, व्यापार में सफलता प्लस नाम, ये दोनों की ओर इशारा जाता है। अब स्टार आने पर नाम तो मिलता ही है और दाम भी मिलता है, एक ये चीज है। अब शनि पर्वत पर भी देखें तो बहुत सारे आपको स्क्वायर दिख रहे होंगे, बहुत सारे, तो ये भी एक पुश्तैनी जमी जायदाद बड़े लेवल पर व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब नेचुरल है, जब इस तरह की साइन वाला व्यक्ति होता है तो उसके पास समृद्धि अच्छी खासी होती है और उसका लाभ इनको मिलता ही है, तो ये स्क्वायर उसका उदाहरण है। एक
रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है, ये व्यक्ति को ससुराल पैसे वाला दिलाती है, या ससुराल जाने के बाद पैसे वाला बनता है, या व्यक्ति को सरकारी या पॉलिटिकल लाभ व्यक्ति के जीवन में होता है, खाने का शौकीन हो सकता है, या व्यक्ति बड़े स्तर पर पहुंचता है। अब बड़े स्तर पर पहुंचने के और बहुत सारे, एक तो बुध रेखा भी है और ये भी है, कईयों को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को तीन, किसी को दो, किसी को एक। एक फेट लाइन को देखे तो फेट लाइन चंद्र पर्वत से शुरू हुई, या तो विदेश से भी धन लाभ कमा सकते ही है, और लोगों का सहयोग भी ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है। और इन पर भी देखे तो एक लाइन गुरु पर्वत की ओर जा रही है, और यहाँ पर भी देखे तो बहुत सारी लाइनें कट कर रही है, यानी जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई रुकावट या खर्चा इनको दिख ही रहा है। ये जब सीधी काटती है तो खर्च होता है, कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खर्च का पैमाना ज़्यादा रहता है। और ये लाइन यहाँ से चलकर ये सीधी निकलकर गुरु पर्वत की ओर जा रही है, तो ये भी बड़े पोस्ट का या सरकारी लाभ उस तरफ इशारा जाता है, सरकारी उच्च पद की ओर भी इशारा जाता है, या व्यक्ति किसी न किसी कंपनी के मैनेजमेंट लेवल पर या मैनेजरियल पोस्ट पर पहुंचता है, या खुद की कंपनी पर बड़े स्तर पर पहुंचता है व्यक्ति, एक उस तरफ जाता है। अब ये लाइन के साथ साथ ये चली सीधी कंप्लीट एंड तक, एक लाइन और सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो हो ना हो इस लाइन के कारण ये विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, या विदेश से धन प्राप्ति के कोई योग बनेंगे इनके जीवन में, या उस तरह का काम कि मारुति का शोरूम, मारुति का सर्विस स्टेशन, नाम मारुति का, काम मारुति की गाड़ी और उस पर सर्विस देना और उससे पैसा कमाना, या तो इस तरह का काम होगा, या विदेश से धन प्राप्ति का योग बनेगा उम्र 36 से। और बहुत सारे दूसरी भी लाइनें हैं, और यहाँ पर एक और फिश शाइन इनकी डेवलप हुई है, यहाँ से निकलकर यहाँ, जब फेट लाइन पर फिश शाइन होती है तो ये पर्टिकुलर पीरियड आने पर ही इसका ग्रोथ मिलता है, पर्टिकुलर पीरियड आने पर। अब ये पीरियड जो होगा इनका, ये लगभग होगा 46-47 के आसपास, यहाँ से इस पीरियड में इनका एक्सरसाइज करना चालू होगा, एक्सरसाइज चालू होगी, पसीना निकालेंगे ये, तो उस समय समझना कि ये फिश साइन एक्टिवेशन का पीरियड चालू हो गया। धन रेखा की फिश साइन बिना मेहनत के आपको पैसा नहीं देगी, जैसे वो एक्टिव होगी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आप काफ़ी अमीर होंगे तो जिम ज्वाइंट करोगे, या कोई ना कोई पार्क के अंदर दौड़ना शुरू करोगे, या चलना शुरू करोगे, 10-10 किलोमीटर डेली चलोगे, किसी न किसी, मैंने ऐसे पीरियड में जो 65-70 साल के बुड्ढों के हाथ में भी इस तरह की फिश साइन देखी है, जब वो एक्टिव होती है उस पीरियड में, तो उनको मैंने चलते देखा है, और वो उम्र में भी 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर की वो लोग वॉक कर लेते हैं। और ये ऐसे लोग जो 45-48 के आसपास, तो इनको तो दौड़ते देखा है, ये मैराथन में पार्ट लेना शुरू करते, इस तरह की एक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है ये फिश साइन के कारण, पर ये धन रेखा पर होती है तभी ये होता है। तो एक चीज ये हो गई, और यहाँ पर भी ये कंटिन्यू जा रही है, और बहुत सारी अच्छी लाइनें हैं, तो इनको ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं, हाँ रुकावटें आती रहेगी, पर बहुत ज़्यादा मेजर टेंस लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑफशूट हैं आपके हाथ में, बहुत सारे, तो कहीं चिंता वाली बात नहीं है। हाँ आपको उतना आनंद नहीं होगा इतने सारे पैसों का, क्योंकि रुकावटें आती है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं टेंस वाला पीरियड जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये क्या होता है मेरे साथ, बस ये एक माइनस पॉइंट रहेगा, बाकी ट्रिमेंडस ग्रोथ वाला ये हाथ है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और ये 45 से 47 से लेकर अप टू एंड तक इनकी ये फिश साइन है, अप टू एंड तक, यानी उम्र के नहीं तो भी 62-63 तक है,
ये एडिशनल है, बाकी इसकी बेनिफिट तो भरपूर है, भरपूर बेनिफिट है इसकी तो, ये एडिशनल एडवांटेज है, ये एडिशनल एडवांटेज है, ये सारे इस साइन को छोड़कर ये एडिशनल एडवांटेज है इनके हाथ में, यानी ट्रिमेंडस ग्रोथ वाला हाथ है, ट्रिमेंडस। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।